परम पूजनीय स्वामी जी, सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, आज मैं आपसे संवाद करूंगा भारत देश की उन भूलों के बारे में जिनके करने पर हमने बहुत कुछ खोया अपने देश का। एक किसी कवि ने कहा है, लहमों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। माने भूल कोई होती है वो किसी क्षण विशेष पर होती है, लेकिन उसकी सजा पूरे की पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति और पूरे समाज को सदियों तक भुगतनी पड़ती है। सैकड़ों सालों तक वो सजा हम भुगतते रहते हैं, छोटी सी एक भूल किसी क्षण में हमसे हो जाती है। तो भारत देश के इतिहास में आजादी के पिछले 63 वर्षों में क्या क्या ऐसी बड़ी भूलें हुई हैं जिनकी सजा हमारा पूरा समाज और देश अभी तक पा रहा है, और आजादी के पहले हमसे ऐसी क्या भूलें हुई हैं जिनकी सजा अभी तक हमारे देश और समाज को मिल रही है, ये दो हिस्सों में मेरे व्याख्यान को विभाजित करूंगा। व्याख्यान का प्रथम भाग होगा आजादी के बाद हमसे जो भूलें हुई पिछले 63 वर्षों में, और व्याख्यान का दूसरा और अंतिम हिस्सा होगा आजादी के पूर्व हमसे जो भूलें हुई। मैंने इसमें जो कालखंड लिया है, जो समय लिया है, वो आज से लेकर लगभग पिछले 250 वर्षों तक का है। तटस्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से हम सब उन भूलों के बारे में गंभीरता से चिंतन करें, और आने वाले समय में भारत स्वाभिमान के अभियान में जब हम लगें और एक संगठन के रूप में हम काम करें, तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भूलें हमारे पूर्वजों ने कर दी, पुरखों ने कर दी, वो भूलें हमें हमारे संगठन में नहीं दोहरानी है, क्योंकि भूलों को दोहराया नहीं जाता। भूलों को जो दोहराते हैं वो अपना इतिहास नहीं बना सकते, उनका कोई भविष्य नहीं हो सकता, वो वर्तमान में ही दफन हो जाते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी सभ्यताएं वो मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार करती चली जाती है, और दुनिया में वही सभ्यताएं जीवंत मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार समय के अनुसार करती रहती है। तो भारत की सभ्यता के बारे में हम मानते हैं कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है और शायद इस समय दुनिया में सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है। भारत के बाद की बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है पूरी दुनिया में। तो शायद इसलिए कि समय के साथ हमने भूलों का परिष्कार करना सीखा है, तो भविष्य में भी हम इन भूलों का परिष्कार अपने जीवन में और समाज में कर पाएंगे। इस दृष्टि से थोड़ी सी बातें मैं रख पाऊंगा, क्योंकि भूलें तो बहुत हैं, लेकिन जिन भूलों ने हमारा पूरा इतिहास बदल दिया, हमारा भूगोल बदल दिया, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को पूरे गहरे तक मत डाला, जिन भूलों ने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया, जिन भूलों के कारण देश के टुकड़े हो गए, ऐसी कुछ गंभीर भूलों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आजादी के पिछले 63 वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल जो हमसे हुई वो ये कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया। ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी जो आज सारी दुनिया के विशेषज्ञों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बंटवारा स्वीकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता। लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मंजूर करा लिया, या हमने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन पर बन जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले 63 वर्षों में। आपके मन में सवाल आएगा कि ये भूल किससे हुई, हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान को स्वीकार किया या हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान बनवा दिया। लोगों की बात अगर मैं करूं आपसे, तो 1937 से भारत में एक राजनीतिक पार्टी बनी, मोहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और उस राजनीतिक पार्टी ने भारत देश में पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया। लेकिन आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हमें एक अलग देश चाहिए, मुस्लिम संप्रदाय को एक अलग देश चाहिए या मुस्लिम सभ्यता को एक अलग देश चाहिए, इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्ना के द्वारा की गई इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों ने कभी भी पाकिस्तान की मांग को मंजूर नहीं किया। तो आप बोलेंगे फिर जिन्ना कैसे सफल हो गया और जिन्ना की राजनीतिक पार्टी कैसे सफल हो गई पाकिस्तान बनवाने में, भारत के मुसलमानों ने जिन्ना का समर्थन नहीं किया। मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक दो ऐसी घटनाएं सुनाना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों का जिन्ना के प्रति कैसा रवैया था।
कई बार जिन्ना मुसलमानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसलमानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए, तुमको अलग देश बनाना चाहिए, सब तरह का विष वो लोगों के मन में भरता था। तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की माला के साथ होता था। लोग गुस्से में आते थे। एक सभा में तो उसको, लाहौर की एक सभा थी जिसके बहुत सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्ना को जूतों की माला डाल दी लोगों ने गले में और कहा भाग जाओ यहां से, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें तो इसी भारत में रहना है, हमें अलग देश नहीं चाहिए क्योंकि अलग देश होकर हमारा अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। जो मुस्लिम दूसरे नेता हुआ करते थे वो ये कहा करते थे कि अगर अलग पाकिस्तान बना तो एक तरफ तो भारत है ही हमेशा और दूसरी तरफ चीन बैठा है, इतना ताकतवर देश, कभी भी पाकिस्तान को खत्म करा देगा। इसलिए जो जिम्मेदार और समझदार मुस्लिम नेता थे इस देश में, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और इनके बहुत सारे सहयोगी मुस्लिम नेता थे, बदरुद्दीन तैयब जी करके एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे, फिरोज शाह करके एक बड़े मुस्लिम नेता हुए इस देश में, ऐसे बहुत समझदार मुस्लिम नेता कहा करते थे कि पाकिस्तान अगर बना तो ना सुखी होगा, ना समृद्धशाली होगा, ना संपत्तिशाली होगा, उल्टा हमेशा दो देशों के बीच में फंसा रहेगा और चक्की में घुन की तरह से पिसता रहेगा, एक तरफ चीन बैठा है दूसरी तरफ भारत तो है ही। इसलिए ज्यादा समझदार मुस्लिम नेता मानते नहीं थे जिन्ना की बात को। फिर आप बोलेंगे फिर जिन्ना ऐसे आगे कैसे बढ़ गया। वास्तविकता ये थी कि जिन्ना की ये जो मांग थी पाकिस्तान बनना चाहिए, इसको अंग्रेजों का भरपूर समर्थन था। और वास्तविकता जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना को नहीं चाहिए था, पाकिस्तान अंग्रेजों को चाहिए था। अंग्रेजों की ये कुटिल नीति थी, उनकी ये कूटनीति थी या उनकी ये दुर्नीति थी कि वो भारत को तोड़कर यहां से छोड़कर जाए। अंग्रेजों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे पिछले 500 वर्षों का, दुनिया के लगभग 71 देशों को उन्होंने गुलाम बनाया पिछले 500 वर्षों में। ऑस्ट्रेलिया उनका गुलाम हुआ, न्यूजीलैंड उनका गुलाम हुआ, सिंगापुर उनका गुलाम हुआ, हांगकांग, ताइवान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, भारत के पड़ोसी बहुत सारे देश इंडोनेशिया मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी में गए, चीन भी गुलाम रहा काफी दिनों तक अंग्रेजों का, जापान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, दुनिया के ऐसे 71 देशों में अमेरिका कनाडा भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, ऐसे 71 देशों में जहां जहां अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था उन सभी देशों को छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने उनका बंटवारा किया था। अफ्रीका का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो अफ्रीका में अंग्रेजों ने 450 वर्षों की गुलामी लाई थी या 450 वर्षों तक अफ्रीका में अंग्रेजों का साम्राज्य चला था और अफ्रीका के एक एक देश को सीधी सरल रेखा में उन्होंने बांट दिया। अगर आप थोड़ा सा विश्व के मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो अफ्रीका का नक्शा अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के जो देश हैं, जैसे नाइजीरिया है, जैसे सोमालिया है, जैसे इथियोपिया है, जैसे जिम्बाब्वे है, ऐसे अफ्रीका के छोटे बड़े देशों को आप देखेंगे नक्शे में तो सभी देशों की सीमा रेखाएं एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। कोई देश चौकोर है, कोई तिकोना है, कोई पंचकोणीय है, कोई षटकोणीय है, इस तरह से देशों को काटा है। मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि देश की सीमाएं कभी भी सीधी सरल रेखा नहीं होती, देश की सीमाएं टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती हैं। भारत की सीमा को देखो, अंग्रेज तो भारत को खंड खंड तोड़ना चाहते थे, वो तो भारत देश के ऊपर भगवान की कृपा हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष हमको भेज दिया उसी समय में, और उनकी दूरदृष्टि थी, उन्होंने अंग्रेजों की चाल को कामयाब नहीं होने दिया, वरना अंग्रेज तो भारत के 565 टुकड़े करना चाहते थे और भारत को वो ऐसे ही बांटने की योजना लेके आए थे जैसे अफ्रीका को उन्होंने बांटा। तो अफ्रीका के देशों के बारे में आप ध्यान से देखेंगे, सभी देशों की सीमाएं स्ट्रेट लाइन में है, सीधी सरल रेखा है, ऐसे बांटा है अंग्रेजों ने मनमानी से, मनमर्जी से। तो अंग्रेजों की योजना थी, जैसे अफ्रीका में उन्होंने किया कि देश को छोड़ा तो बंटवारा कराया उस देश का, खंड खंड तोड़ा उस पूरे अफ्रीका के लोगों को, वैसे उनकी योजना भारत के लिए थी कि भारत को वो छोड़ेंगे तो एक देश नहीं रहने देंगे, उसको खंड खंड तोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी, उनके राजा हुआ करते थे, उनको भड़काना शुरू किया, उकसाना शुरू किया और हरेक राजा को अंग्रेज ये कहा करते थे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कि आप चाहो तो भारत से अलग हो सकते हो। और ज्यादातर राजा ये कहा करते थे नहीं, हमको तो भारत में विलय होना है, भारत में मिलना है, तो फिर अंग्रेज उनको और चिढ़ाने के लिए कहते थे कि फिर आपकी मर्जी, भविष्य में आपका क्या होगा हम नहीं जानते। तो इस तरह से राजाओं को भड़का के, राजकुमारों को भड़काकर उनकी योजना थी कि वो भारत को 565 टुकड़ों में तोड़ें। लेकिन उनकी ये योजना कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उनकी योजना को नाकामयाब करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रात दिन एक कर दिया था और जी जान लगा दिया था। इसलिए भारत की अधिकांश रियासतें तीन को छोड़कर,
एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, एक रियासत थी उसका नाम था जूनागढ़ जो गुजरात में है, समुद्र के किनारे है, और एक रियासत थी हैदराबाद। ये तीन रियासतों को छोड़कर 562 रियासतों ने अंग्रेजों की किसी बात को नहीं माना था और उन्होंने संकल्प लिया था कि भारत की आजादी के साथ हम भारत में ही रहेंगे, भारत में ही विलय होंगे, हमारा भारत से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। तो अंग्रेजों की चाल कामयाब नहीं हुई, 562 रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला किया था और वो विलय हो गए। तीन रियासतें अंग्रेजों की चाल में फंसी थी, जम्मू कश्मीर फंसा, हैदराबाद फंसा और जूनागढ़ फंसा। इन तीन रियासतों को अंग्रेजों ने भड़का रखा था कि आप भारत में मिलोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप भारत से अलग हो जाओ, एक नया राष्ट्र बनाओ। तो जम्मू कश्मीर में यह मांग शुरू हुई थी कि हम भारत से अलग एक नया राष्ट्र बनाएंगे। इसी तरह जूनागढ़ का जो राजा था वो मुसलमान था, उसने ये कहना शुरू किया था कि हम तो पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। और हैदराबाद का जो निजाम था वो भी ऐसी बातें करता था, वो कहता था या तो मैं स्वतंत्र हूं नहीं तो मैं पाकिस्तान में जाऊं, भारत में तो नहीं मिलूंगा। लेकिन सरदार पटेल की होशियारी ने और सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता ने इन तीनों राज्यों को थोड़े समय के बाद फिर से भारत में मिला लिया था। अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद ये तीनों रियासतें भारत में आकर मिली। ये एक कहानी है जो अंग्रेजों की समझ, माने हमारी समझ अंग्रेजों के बारे में बनाने के लिए, जानने के लिए आवश्यकता है। दूसरी एक कहानी कि जब अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा कि ज्यादातर भारत की रियासतें अलग नहीं हो रही हैं, वो सब भारत में ही मिलने को तैयार हैं, तब उन्होंने जिन्ना को अपनी मोहरा बनाकर, अपनी गुट्टी बनाकर खेलना शुरू किया। जिन्ना को अंग्रेजों ने एक प्यादे की तरह से इस्तेमाल किया, शतरंज का जो खेल होता है ना उसमें कुछ प्यादे होते हैं, वैसे ही जिन्ना अंग्रेजों का प्यादा बना। और जिन्ना के पीछे अंग्रेज तब से लगे हुए थे जब मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में वकालत पढ़ने के लिए गया था, बैरिस्टर हुआ था वो, लंदन से उसने पढ़ाई की थी, तब से अंग्रेजों ने जिन्ना को देख रखा था। और जब वो भारत लौटा तो सब तरह का सहयोग करके जिन्ना की एक पार्टी खड़ी की जिसका नाम मुस्लिम लीग पड़ा। ये मुस्लिम लीग को बनाने के लिए सारा पैसा अंग्रेजों ने दिया जिन्ना को, और न सिर्फ पैसा दिया बल्कि अंग्रेजों ने अपने अखबारों में मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा और बखान करवाना शुरू किया। अंग्रेजों के जो अखबार निकला करते थे इस भारत देश में, जिन्ना की पार्टी के बारे में खूब बड़ी बड़ी खबरें छपती थी। छोटा सा कोई कार्यक्रम जिन्ना की पार्टी करे तो अंग्रेजों के अखबार में मुख्य पृष्ठ पर उसका समाचार छपता था। और इस तरह से जिन्ना को हवा भरी अंग्रेजों ने और धीरे धीरे तैयार किया कि तुम तो अलग देश मांगो पाकिस्तान, भारत में रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया, लेकिन भला हो भारत के मुसलमानों का, उन्होंने जिन्ना का समर्थन नहीं किया। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कुछ मुसलमानों को, बंगाल के कुछ मुसलमानों को और खासकर बिहार के कुछ मुसलमानों को जो जिन्ना के साथ थे, पैसे देकर, फंड देकर, रिश्वत देकर, लालच देकर, घूस देकर तैयार करवाना शुरू किया कि तुम भी पाकिस्तान मांगो। तो बंगाल में एक नेता निकल आया, उसका नाम था सोहरावर्दी, और वो जिन्ना के साथ मिलके एक दूसरा नेता बना जिसने कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें संप्रदाय के आधार पर बंटवारा चाहिए। तो इस तरह से पाकिस्तान की मांग 1937 के बाद इस देश में खड़ी की गई। अंग्रेजों की पूरी ताकत उसमें लगी, पैसा लगा, उनकी शक्ति लगी, उनकी अकल लगी, उनकी बुद्धि लगी, और इस तरह से ये बात बढ़ती चली गई। बाद में क्या हुआ, 1942 में अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध में, जब उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से शुरू हो गया था और जर्मनी ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। उस समय जर्मनी का जो हिटलर था उसने अंग्रेजों को इतना मारा था, इतना पीटा था कि हाल खराब हो गया था इनका। बम गिराए थे इतने पूरे इंग्लैंड पर कि लाखों लोग मर गए थे, और यूरोप के और देश जो अंग्रेजों को मदद कर रहे थे वो भी पिट गए थे। तो अंग्रेजों की 1942 तक हालत बहुत खराब हो गई। तो अंग्रेजों ने परोक्ष रूप से ये कहना शुरू कर दिया कि शायद अब भारत में वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे या भारत में ज्यादा शासन नहीं कर पाएंगे। और 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, तब तो अंग्रेजों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि अब भारत छोड़कर वो चले जाएंगे। और 1946 में बाकायदा उसकी घोषणा हो गई और 47 में 15 अगस्त को वो चले गए। लेकिन जब 42 से अंग्रेजों का ये मन बन गया कि उनको भारत से चले जाना है, छोड़ देना है, तो उन्होंने भारत के नेताओं से बिना बताए हुए ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करना शुरू किया। और उन नेताओं में बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए जिन्ना था, और जिन्ना को फिर से उन्होंने यही बात समझाना कि अलग पाकिस्तान ले लो, अलग देश ले लो, तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, और ये सब चलना हो गया और आगे ये बढ़ता चला गया। अंत में ये हुआ, महात्मा गांधी एक बड़े नेता थे उस समय आजादी के आंदोलन के, उन्होंने एक संकल्प ले रखा था, वो ये कि भारत का बंटवारा होगा नहीं किसी भी कीमत पर।
और महात्मा गांधी ने पूरे देश में ये ऐलान कर दिया था कि भारत बटेगा नहीं, भारत एक रहेगा, अखंड रहेगा। अगर भारत का बंटवारा कोई करना चाहता है तो उसको दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए, मैं होने नहीं दूंगा। और एक दिन तो इतनी कठोर बात कही उन्होंने कि भारत का बंटवारा बाद में होगा, पहले मैं मरूंगा और मेरी लाश पे भारत का बंटवारा होगा। तो गांधी जी ने यह ऐलान कर रखा था। और आपको शायद मालूम है ये बात कि भारत के करोड़ों नागरिक गांधी जी के साथ थे, तो करोड़ों लोग भी गांधी जी के संकल्प के साथ थे, हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग गांधी जी के साथ कहते थे कि हमें भी भारत का बंटवारा नहीं कराना है। तो माउंटबेटन नाम का एक आदमी भेजा गया इंग्लैंड से, और उसको इसलिए भेजा गया कि वो जाकर भारत का बंटवारा कराने में मदद करे। और माउंटबेटन को भारत में अंग्रेजों का आखिरी वॉयसराय माना जाता है, आखिरी गवर्नर जनरल माना जाता है। उसने आके जो गोटियां बिछाई उसके आधार पर भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि तैयार हुई। उसने क्या किया, जिन्ना को और ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित करा के एकदम से पक्का खड़ा कर दिया कि हमको तो पाकिस्तान ही चाहिए। तो बातचीत शुरू हुई, और उस बातचीत में जो अंदर के दस्तावेज हैं जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि जिन्ना एक बार महात्मा गांधी से मिलने गया। महात्मा गांधी ने जिन्ना को पूछा, भाई तुमको क्या चाहिए? कि पाकिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे प्रधानमंत्री होने का है, अलग मुसलमानों का देश बनाने का है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के मुसलमान तो चाहते नहीं कि अलग पाकिस्तान बने, वो तो तुम्हारे साथ है नहीं। तो जिन्ना ने कहा कि नहीं, मेरे साथ बहुत मुसलमान है। तो गांधी जी ने कहा कि देश में एक जनमत संग्रह करा लो। तो जिन्ना उस बात से पीछे हट गया। फिर गांधी जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि तुमको प्रधानमंत्री ही होना है ना, तो भारत के हो जाओ, इसमें क्या बुराई है, लेकिन देश तो एक रहे, देश तो नहीं टूटे। तो जिन्ना तुरंत तैयार हो गया, और गांधी जी को लगा कि इसकी यही कमजोरी है कि ये प्रधानमंत्री होना है इसको। अब जिन्ना ने जब ये मान लिया कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, तो उसने कहा फिर भारत नहीं बंटवारा मुझे करना, फिर भारत को नहीं तोड़ना, माने प्रधानमंत्री पद चाहिए। अब जिन्ना के सामने जो व्यक्ति थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने एक ऐसी कड़वी बात कह दी जिसमें सारे देश की दिशा बदल गई। मैंने आपसे कहा था, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, कि थोड़े से किसी क्षण विशेष पर हम एक मामूली सी भूल करते हैं और वो देश के लिए पूरा इतिहास बदल देती है। जब नेहरू जी के सामने ये बात आई कि जिन्ना प्रधानमंत्री बनने के लिए बात कर रहा है और वो देश का बंटवारा नहीं चाहता, तो गांधी जी ने संदेशा भिजवा दिया कि ठीक है, जिन्ना को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेने में कोई गलती नहीं है, अगर देश टूटने से बचता है तो इसको प्रधानमंत्री स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू जी ने एक बहुत कड़वा वाक्य कहा। परम पूजनीय स्वामी जी हम लोगों को बार बार ये कहते रहते हैं, और मैं इस बात को विशेष रूप से ध्यान से सुनता हूं, कि भाषा का प्रमाद नहीं होना चाहिए, बोली में प्रमाद नहीं होना चाहिए, और वो प्रमाद नेहरू जी की बोली में आ गया। नेहरू जी ने पब्लिक एक स्टेटमेंट कर दिया, पूरे देश की जनता के सामने उनका बयान आ गया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को अपने कैबिनेट के मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कह दिया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को अपने मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता। माने सीधी सी बात है कि मैं उनको अपने मंत्रिमंडल का चपरासी नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है। और ये बात जिन्ना के दिल में तीर की तरह से चुभ गई, और जिन्ना ने फिर कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान बना के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। और यही अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेजों ने फिर उस मौके को लपक लिया और जिन्ना को थोड़ी और हवा दी और थोड़ा भड़का दिया, और फिर उसने मारकाट शुरू करा दी। एक डायरेक्ट एक्शन प्लान शुरू हुआ था बंगाल में, और जिन्ना के मुस्लिम लीग पार्टी के जो सदस्य हुआ करते थे उन्होंने तलवारें निकालकर हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया था बंगाल में। और इस बयान के बाद सारी स्थिति और परिस्थिति बदल गई। महात्मा गांधी बहुत कोशिश करते रहे कि किसी तरह से बात बन जाए, लेकिन वो बात नहीं बनी, और जिन्ना उसके बाद फिर माना नहीं और गांधी जी को मिलने भी नहीं आया। फिर उसने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं उनके मंत्रिमंडल का चपरासी बनने लायक नहीं हूं, तब तो सवाल ही नहीं उठता, अब तो मैं नया देश बना के ही रखूंगा और उसका प्रधानमंत्री बन के दिखाऊंगा। अच्छा, जिन्ना का जो एक डॉक्टर था जो उसका इलाज करता था, उस डॉक्टर ने कोई सूचनाएं लोगों को भिजवाई थी, और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को यह जानकारी दी थी कि यह जिन्ना ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, इसको बोन टीबी हो गई है, ये 2-4-6 महीने जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, इसको प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो बन लेने दो, देश तो एक रहेगा, बंटवारा नहीं होगा। लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात पे ध्यान नहीं दिया, और अंत में फिर वो हुआ। अंग्रेज तो तैयार बैठे थे, तो अंग्रेजों ने अपनी संसद में एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट,
और इस कानून की परिभाषा में यह तय किया गया कि इस कानून के पास होते ही भारत के दो हिस्से हो जाएंगे, एक भारत रहेगा, दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान कहां कहां हो जाएगा उसकी सीमा तय कर दी अंग्रेजों ने, और भारत कहां कहां रहेगा उसकी सीमा तय कर दी अंग्रेजों ने, और इस तरह से यह बंटवारा हो गया। और आपको इतिहास की एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो दर्द देती है दिल में, वो ये कि पाकिस्तान मिलने के थोड़े महीने के बाद ही जिन्ना मर गया, सच में मर गया, और वो टीबी से मर गया, उसको बोन टीबी थी। तो बार बार उसके डॉक्टर की बात याद आती है कि उसका डॉक्टर ये कहा करता था कि ये 5-6 महीने का मेहमान है, इसको बन लेने दो प्रधानमंत्री, बाकी तो फिर पूरा देश हमारा ही है। लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात को गंभीरता से नहीं लिया, अगर ले लिया होता तो भारत की ये ऐतिहासिक गलती हमसे नहीं हुई होती और पाकिस्तान नाम का देश अलग नहीं हुआ होता और ये भारत एक अखंड देश रहता। अब उसके बाद क्या हुआ कि जिन्ना तो मर गया, और मरने के बाद फिर पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो आपकी आंखों के सामने है, उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक मामले में मैं दखल नहीं देना चाहता। लेकिन जितना मामला भारत से जुड़ा हुआ है वो ये है, अब इस मामले का अंतिम जो वो निकला सच बन के सामने कि बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान, तो मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है और हिंदुओं को पाकिस्तान से भारत आना है। बहुत सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और बहुत सारे हिंदुओं ने पाकिस्तान से भारत में आने को मना कर दिया, तो फिर मारकाट शुरू हुई। और सारी दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि एक देश के दो टुकड़े हुए तो इतने लाख लोगों की मारकाट कभी किसी देश में नहीं हुई जो भारत में हुई। भारत और पाकिस्तान के बनने पर लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ है, उसके सही सही आंकड़े नहीं मिलते। पाकिस्तान के आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, लाखों मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, लाखों छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम किया गया। उस जमाने के दस्तावेज को पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। भर भर के गाड़ियों में, ट्रेनों में, बसों में, बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, खच्चर में लोग ढेर के ढेर इधर से उधर, उधर से इधर जाते थे। किसी को अपना घर छोड़ना पड़े, संपत्ति छोड़नी पड़े, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति छोड़नी पड़े और उजड़कर दूसरी जगह जाकर रहना पड़े, इसका दर्द वही बता सकता है जिसका उजाड़ हुआ है घर। और भारत में ऐसे लाखों परिवार हैं, शायद मैं कहूं तो अब कुछ करोड़ परिवार ऐसे होंगे जो उजड़कर पाकिस्तान से भारत में आए और सब कुछ उन्होंने वहां छोड़ा था, कुछ नहीं ला पाए और यहां लाकर शून्य से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज भगवान की कृपा से वो शिखर तक भी पहुंचे। प्रणाम है उनकी मेहनत को, वंदन है उनकी मेहनत को कि पाकिस्तान से उजड़कर आए, कुछ हाथ में नहीं था, अकेले आए। किसी की पत्नी छूट गई वहां पर, किसी का पिता छूट गया, किसी की बेटी छूट गई, किसी की बहन छूट गई, किसी की मां छूट गई, किसी का कुछ छूटा, किसी का कुछ छूटा, और किसी तरह से मारते पीटते भागते भूगते यहां आकर उन्होंने कहीं कहीं आशियाने बनाए और आशियाने बनाकर भारत देश को और अपनी इस मातृभूमि को उन्होंने मान लिया कि अब यही हमारी मातृभूमि है, यही कर्मभूमि है, और उसकी सेवा में लग गए। और भगवान ने भी उनको उनकी मेहनत का फल दिया कि आज वो काफी अच्छे व्यवस्थित हैं। लेकिन ये बंटवारे का दर्द उनके दिल में जो टीस मारता रहता है, ये शायद कब जाएगा मालूम नहीं है। ये हमारी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, कुर्सी के एक पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा सत्ता का समझौता नहीं हो सका जो सबको समावेश कर सके, और उसी में ये सारा खेल खेल लिया और अंग्रेजों ने आग में घी डाल दिया। उनका तो पहले से मन था कि पाकिस्तान को बनवाना ही है और ये हमारे देश में एक बड़ा उन्होंने विष का बीज बो दिया। अब ये विष का बीज ऐसा हमारे लिए मुश्किल बन गया है, गले की फांस बन गया है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अब वो जो तीन राज्य भारत में मिलने को तैयार नहीं थे, जम्मू कश्मीर, एक था जूनागढ़ और एक था हैदराबाद, तो बंटवारा हो गया, भारत की सरकार भारत में बन गई, पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में बन गई। तब सरदार पटेल ने कोशिश की कि ये जो तीन राज्य हैं, इन तीनों राज्यों को भारत में मिलाने के लिए प्रयास किया जाए, तो जूनागढ़ राज्य को उन्होंने मिला लिया। बाद में हैदराबाद भी भारत में मिल गया क्योंकि सरदार पटेल ने दोनों राजाओं को ये कहा था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुम्हारा राज्य पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारी जनता की इसके लिए अनुमति नहीं है। हैदराबाद रियासत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया था क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री बन चुके थे, उन्होंने एक आंतरिक सर्वेक्षण ये कराया था कि हैदराबाद रियासत में रहने वाले लोगों से पूछो वो क्या चाहते, तो पता चला 97% लोगों ने ये कहा कि हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हौसला बढ़ा, उत्साह बढ़ा और उन्होंने हैदराबाद के निजाम को कहा कि तुमको जाना है तो चले जाओ, ये राज्य तो भारत में ही रहेगा क्योंकि यहाँ के नागरिकों का कहना है कि हम भारत में रहना चाहते हैं। और हैदराबाद का निजाम फिर तैयार नहीं हुआ तो एक दिन सरदार पटेल ने उनको संकेत में एक धमकी दी थी कि निजाम ये समझ लेना कि मैंने मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, जब तक मैं तुम्हें झेल रहा हूं तब तक झेल रहा हूं। जिस दिन मेरे को ऐसा लगा
कि अब सीमा खत्म हो गई है झेलने की, तो दो चार घंटे ही लगेंगे, भारत की एयरफोर्स के जवान, भारत की सेना के जवान तुम्हारे हैदराबाद में उतरेंगे और एक झटके में पूरा हैदराबाद भारत में मिल जाएगा। और उसके समानांतर हैदराबाद रियासत में एक संग्राम चल रहा था, पूरी रियासत को भारत में मिलाओ नागरिकों की तरफ से एक आंदोलन चल रहा था, और इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी आर्य समाज के नेताओं की। आर्य समाज के नेता पूरे हैदराबाद रियासत में उस समय सक्रिय थे, और भारत के कुछ समाजवादी नेता जैसे श्री राम मनोहर लोहिया और उनकी एक बड़ी फौज, ये सब इस बात के लिए सक्रिय थे कि हैदराबाद को भारत में मिलाना है। तो हैदराबाद रियासत के गांव गांव में ये नेता घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और जनता को समझा रहे थे कि आपको पाकिस्तान नहीं जाना है, भारत में रहना है। तो उसका फल मिला था, उस प्रचार का बहुत बड़ा फल मिला था, जनता ने ये फैसला कर लिया था कि हम तो भारत में ही रहेंगे। तो निजाम एक दिन फिर भाग गया भारत छोड़कर, और भारत में पूरा हैदराबाद राज्य मिला लिया गया। और इसी तरह से जूनागढ़ का हुआ, जूनागढ़ का भी सारा का सारा राज्य इसी तरह से भारत में मिलाया गया। अंत में जम्मू कश्मीर का मामला आया, और जम्मू कश्मीर के मामले में हुआ यह था कि जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उनके दिल में अंग्रेजों ने यह जोत जला दी, अलग देश बनाना, अलग राष्ट्र बनाना, बफर स्टेट बनाना, और वो इसी का गाना गाते रहते थे। और अंग्रेजों के मन में था कि ये जम्मू कश्मीर तो अलग हो ही जाए जैसे पाकिस्तान अलग हुआ, और अंग्रेज उस आग में घी डाल रहे थे। उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, और जैसे ही जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ तो महाराजा हरि सिंह के हाथ पांव फूल गए, उनके पास पूरी सेना नहीं थी जो पाकिस्तान के हमले का सामना कर सके। और महाराजा हरि सिंह को यह दिख गया कि अब तो पाकिस्तान की सेना जम्मू तक पहुंचने वाली है, अब ज्यादा दूर नहीं है, और अब तो यह श्रीनगर भी गया, जम्मू भी गया, सब कुछ गया। तो उनके दिल में था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, अब तो लगा कि यह पाकिस्तानी राष्ट्र बन जाएगा। तो अंत में उन्होंने हथियार डाले और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपने प्रधानमंत्री को भेजा और कहा कि अब आप हमें बचाओ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम क्यों बचाएं आपको, क्यों बचाएं, जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग है नहीं, और आप तो कहते हो कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, तो अपना स्वतंत्र देश बना लो, हम आपको क्यों बचाएं। तो जो प्रधानमंत्री था महाराजा हरि सिंह का, बहुत होशियार, बहुत चतुर व्यक्ति था, उसने कहा कि इस समय बहस करने का समय नहीं है, बाद में हम तय कर लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तानियों से तो हमें बचाना है अपने राज्य को। तो सरदार पटेल ने कहा कि मैं मेरी सेना भेज सकता हूं और पाकिस्तानियों को हमारी सेना गाजर मूली की तरह से काट देगी, लेकिन एक शर्त है। तो शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप बिना किसी शर्त के भारत में मिलने का फैसला करो और ऐलान करो कि भारत में आपका पूरा राज्य का विलय होगा, उसी कंडीशन पे भारत की सेना आपको बचाने के लिए आएगी। क्योंकि तकनीकी रूप से जब तक आप भारत देश से जुड़ते नहीं है तब तक भारत की सेना आपकी रक्षा क्यों करेगी, क्योंकि भारत की सेना तो भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है। और जम्मू कश्मीर चूंकि भारत का अंग नहीं बन पा रहा है और आपने ऐलान कर दिया है कि इसको स्वतंत्र देश बनाना है, तो हम आपकी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री भागा भागा वापस गया महाराजा हरि सिंह के पास और कहा कि सरदार पटेल ने तो ना कह दिया, सेना तो नहीं आएगी जब तक हम भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करते, भारत के साथ विलय के संधि पत्र पर हम हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक भारत की सेना नहीं आएगी और हम तो अब मारे जाएंगे। और उस समय पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के बिल्कुल नजदीक में थी, हमला करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, कबायली लोग पाकिस्तानी सेना में भरपूर मदद कर रहे थे। तो महाराजा हरि सिंह ने फिर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। और सरदार पटेल के सामने जब ये दस्तावेज प्रस्तुत हो गए कि महाराजा हरि सिंह ने स्वीकार कर लिया है, तो फिर सरदार पटेल ने आदेश किया कि अब भारत की सेना जम्मू कश्मीर कूच करेगी। तो भारत की वायुसेना ने और थल सेना ने रातों रात 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चलाया वो दुनिया का सबसे अद्भुत ऑपरेशन था। हजारों सैनिक उतार दिए जम्मू कश्मीर में, और उन सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया वो भी दुनिया में अद्भुत था। आप कल्पना कर सकते हैं, श्रीनगर तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो, आप सोचो कहां तक आ गई सेना, वहां तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो, तब भारत की सेना ने एंट्री की थी, प्रवेश किया था, और प्रवेश करते करते गाजर मूली की तरह से पाकिस्तानियों को काट दिया था, और पाकिस्तानी फिर उल्टे पैर भागे वहां से, और भागते भागते भारत की सेना ने जब उनका पीछा किया तो पाकिस्तानी सीमा तक भारत की सेना पहुंच गई, और पाकिस्तानी सीमा का एक बड़ा हिस्सा भारत की सेना के कब्जे में आ गया। और भारत की सेना के कब्जे में आ गया तब भारत के सैनिक इतने उत्साह से भरे हुए थे, इतने जोश से भरे हुए थे कि भारत के प्रधानमंत्री को वो बार बार कह रहे थे कि आप कुछ करना मत, बस थोड़ी मोहलत और दे दो, लाहौर और कराची अब हमारे हाथ में आने वाला है, ये ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसी समय फिर हमसे भूल हो गई,
और उस भूल की चर्चा मुझे करनी है। वो भूल क्या हो गई? भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के गृह मंत्री को बिना पूछे अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम का नियम है कि जब युद्ध विराम की घोषणा की जाती है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में बात रखनी पड़ती है और पूरी कैबिनेट उस पर सही माने और मंत्रिमंडल का सबका हां हो जाए तब प्रधानमंत्री उसकी घोषणा कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने ना तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई ना उनकी सहमति ली, उन्होंने अपने मन से घोषणा कर दी और वो घोषणा भी उन्होंने ऐसे नहीं कि लोगों के सामने, रेडियो पे जाके कर दी। दिल्ली का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, वहां गए और जाकर घोषणा कर दी और अपनी तरफ से दुनिया भर को यह कह दिया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में इस जम्मू कश्मीर के मामले को हल करेंगे। माने संयुक्त राष्ट्र महासंघ आए और हमारे और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनकर बैठे और इसका फैसला वो ये करे कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा, जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के महाराजा ने ये बोल दिया था, हस्ताक्षर कर दिए थे, दस्तावेज उसके मौजूद है कि वो तो भारत में विलय कर चुके हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री को यह कहने का कोई बात नहीं बनती कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं, विवादित क्षेत्र मानते हैं और इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में होगा। बस वहीं से ये एक छोटा सा बयान हमारे गले की फांस बन गया और हड्डी बन गया। अब पाकिस्तान बार बार इसी को कहता रहता है कि भारत ने तो बोला है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित क्षेत्र है और भारत ने तो बोला है कि इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लोग आए जम्मू कश्मीर में रहें, भारत की सेना वहां से हटाई जाए, पाकिस्तान की सेना भी वहां ना रहे और जम्मू कश्मीर में एक जनमत संग्रह कराया जाए और वो जनमत संग्रह के आधार पर जो तय हो उससे तय किया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा। अब तकनीकी बात जो मैं कह रहा हूं कि वो पहले विलय हो चुका था जम्मू कश्मीर का, तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था, लेकिन वो एक बड़ी भूल हो गई और उसी भूल ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय दुनिया में बना रखा है। भले हमारे लिए जम्मू कश्मीर भारत का अंग है लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और विवादित क्षेत्र में चौधरियों को घुसने का, दखल करने का अधिकार है, तो जम्मू कश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र को भी दखल करने का अधिकार है। और वहीं से यह सारा मामला खिचड़ी बन गया, खटाई में पड़ गया। अच्छा खासा पूरा जम्मू कश्मीर वहां के महाराजा ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके भारत के साथ विलय कराया लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के एक छोटे से बयान ने सारे मामले को बिगाड़ दिया। अब यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में आप जानते हैं अमेरिका दादा है, जो अमेरिका चाहता है वहां वही होता है, जो अमेरिका चाहता है वहां के लोग वही करते हैं और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि यह जम्मू कश्मीर का मामला सुलझ जाए क्योंकि वो ये मानता है अमेरिका कि भविष्य में जम्मू कश्मीर कभी अमेरिका की मदद करने के लिए आएगा, इसलिए इसको विवादित ही रहने दो क्योंकि विवादित क्षेत्र में घुसने के लिए रास्ता खुल जाता है। अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर में? अमेरिका की यह रणनीति है कि भविष्य में कभी भी चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के सैनिकों के लिए शरण स्थली